सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर पर रू अफ़ज़ा कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज है ईद का दिन और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप रू अफ़ज़ा घर पर कैसे बना सकते हैं। रू अफ़ज़ा घर पर कोई भी बना सकता है और आज अक्षय तृतीया और ईद दोनों हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप रू अफ़ज़ा घर पर गर्मियों में कैसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने इस पतीले में यहाँ पे पानी ले लिया है। ये जो क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पे 250 ml ली है, यानी कि 250 ml ली है। और अभी इसमें हम ऐड करेंगे रू अफ़ज़ा, यानी कि आप देख सकते हैं रू अफ़ज़ा इसमें हमको ऐड करना है। तो 50 ml इसमें हमको रू अफ़ज़ा ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। रू अफ़ज़ा बहुत ही टेस्टी होता है और ये शरबत आप अपने घर पे आए हुए मेहमानों को दे सकते हैं और ख़ुद भी पी सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी हमने इसमें रू अफ़ज़ा ऐड कर दिया है। अभी हमको क्या करना होगा कि इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने चम्मच ले लिया है, हमको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर दोस्तों, ये जो पानी जो मैंने लिया है ना, वो थोड़ा ठंडा पानी ही लिया है। आप भी इसी तरीके का ठंडा पानी ले सकते हैं। अगर आपको इसको आइस के साथ पीना पसंद है तो आप इसको आइस के साथ भी पी सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, नींद भी काफ़ी टेस्टी होता है। हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमने अच्छे तरीके से इसको मिला लिया है एंड हमारा ये जो रू अफ़ज़ा है बिल्कुल तैयार हो जा चुका है। अभी अगर आपको इसको आइस के साथ पीना पसंद है तो आप इसको आइस के साथ भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो रू अफ़ज़ा ड्रिंक है एकदम तैयार हो गया है। पीने में काफ़ी टेस्टी होता है और आप बहुत ही अच्छा इन्जॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।